अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज से चाइना के लिए बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है इस्लामाबाद से और इसका थोड़ी देर में इफ्तिताह होगा। बस का रिव्यू भी करेंगे और किस किस्म की सहूलियात हैं वो भी सब आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। ये जरूर तैयार किया गया है, इसमें जितने मुसाफिर हैं या इन सब मुसाफिरों को ड्राइवर समेत स्टाफ समेत सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रख कर उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचा। पहली बात तो ये बड़ी एक अच्छी कावश की है फैसल मूवर्स ने। हमारा एक बड़ा प्यारा मुल्क, साथी मुल्क, ये उस हम दोनों के दरमियान रबते के लिए सबसे आला तरीका हुआ है। इससे बड़ी दुनिया मुस्तफीद होगी, ख़ासकर जो हमारे तलबा इस वक्त चाइना में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सूरत आपने मुहैया की है। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उससे पाक चीन दोस्ती में इजाफा होगा। अल्लाह ताला आमीन और नासर हो इसका, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रख के इस सर्विस को चलाए, इसके मुसाफरों को, अमला को अल्लाह ताला अपनी नजर करम के नीचे रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद खिदमत के लिए अहमद। बोर्डिंग अब शुरू हो चुकी है और इस वक्त सिक्योरिटी चेकिंग जारी है। जितना भी मुसाफिरों का सामान है उसकी चेकिंग हो रही है, उसके बाद जब सिक्योरिटी क्लियरेंस हो जाएगी तो फिर मुसाफिरों को बोर्डिंग कार्ड दे दिया जाएगा। जी नाज़रीन, अब चलते हैं बस के अंदर, दिखाते हैं अंदर से बस की कंडीशन क्या है। माशाल्लाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग, साफ सुथरी बस। ये देखिए सीट इसकी, माशाल्लाह कंफर्टेबल, आसानी से आप इधर बैठ सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन। और इसी तरह अगर इधर देखें तो ये एलईडी लगी हुई है, यहाँ आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, इसके अलावा तलावत सुनना चाहें। अगर बात करें सिगा की तो ये जो दो एक दो नंबर सीट है ये भी ज़्यादा खुली है, तीन और चार। पीछे चलते हैं, बिल्कुल जी बेहतरीन कंफर्टेबल। इसी तरह ये पीछे हो सकती है ये सीट, और इस जगह पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं। नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी। जी नाज़रीन कराम, फैसल मूवर के मैनेजर साहब हैं इस वक्त मेरे साथ, इनसे कुछ इस बारे में पूछते हैं। सर, इस बस के बारे में बताइएगा, ये सर्विस फर्स्ट टाइम शुरू हो रही है? नहीं जी, इससे पहले जब पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जब कोरोना की वबा फैली, उससे पहले हमारी बस चाइना बस गया। अच्छा, तो ये कोरोना के बाद दोबारा की वजह से ही उसको स्टॉप किया गया था। अच्छा, अब दोबारा से इसको जो है ना बड़ी शुरू। अच्छा अच्छा सर, ये बताइएगा, ये रावलपिंडी से
जाया करेगी या किसी और शहर से भी नहीं है, बाकी शहरों से जो कनेक्टिंग लोग आएंगे वो यहाँ पे आके करेंगे। अच्छा, यहाँ से उनकी बोर्डिंग होगी, यहाँ से आगे फिर जो है ना ये स्पॉट होगा। सही, आप चाहिए। ओके, और चाइना के कौन से शहर लेके जाएंगे आप? ताशिंग हॉन्ग कॉन्ग। सही, और सफ़र के दौरान ये तकरीबन कितना होगा? ऑलमोस्ट 38 आवर्स। 38 घंटे या 38 घंटे। सही, और इसमें किस किस्म की सहूलियात आप दे रहे हैं लोगों को? इसमें हम पैसेंजर्स को एक हमारा बिजनेस क्लास बॉक्स है वो दे रहे हैं, पानी की बॉटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम रास्ते में इनको एक जगह पे हम इनको लंच करवाएंगे। अच्छा, फिर रात का डिनर है। ओके, नाइट स्टे है सस्ट मॉडल पे। अच्छा, उसके बाद सुबह मॉर्निंग में फिर इनको ब्रेकफास्ट। अच्छा अच्छा, रास्ते में जो जहाँ प्याम करेंगे आप, उसका एक्सपेंस जो है वो मुसाफिर अपनी तरफ से करेंगे? नहीं, इसी टिकट में है, मुसाफिर ने उसमें कुछ किया। अच्छा, तो जो नाइट स्टे होगा उसका वो भी कंपनी के पास, और वो किसी होटल में होगा या होटल में? अच्छा, सोस्त में। जी सर। उसके बाद फिर आप फर्दर आगे थे, फिर उनकी इमिग्रेशन होगी मॉर्निंग में, और फिर ये चाइना के लिए आगे बॉर्डर क्रॉस करके अच्छा अपने डेस्टिनेशन। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त ही, अल्लाह ताला कामयाबी दे, और ये सफ़र मोहब्बतों का ऐसे ही जाए। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, ये है जी सलीम साहब, और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मेरे साथ ताबुन किया, तो इनसे कुछ पूछते हैं जी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। जनाब अली, थैंक यू वेरी मच जी, आपको मैंने बहुत तंग किया है ना। अच्छा, ये बताइएगा इसकी बुकिंग का तरीका कार क्या है? सर, इसकी बुकिंग आप अपने फोन एड्रेस पर करवा सकते हैं। अच्छा, कॉल मिला के 03111224888 हमारा यूएन नंबर है। ओके, उस पर आपकी फ़ोन बुकिंग हो जाएगी। ओके, टिकट परचेज करने के लिए आपको 3 दिन पहले लाजमी आना होगा। सही, टिकट परचेज करने के बाद वो टिकट नाकाबले रिफंड है। सही, लेकिन तब्दील हो सकता है, आप उसको नेक्स्ट डिपार्चर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। रिफंडेबल नहीं है। ओके, इसके अलावा आपको अपनी बोर्डिंग के लिए जितना आपका डिपार्चर है 3 घंटे पहले आना होगा। अच्छा, मुसाफिर को सफ़र करने के लिए 3-4 चीज़ों को अपने साथ यकीनी लाना होता है, उसका पासपोर्ट है, उसका वीज़ा, इनविटेशन लेटर है, कोरोना सर्टिफिकेट है। ओके, ये उसके साथ होना ज़रूरी है। और वीज़ा तो उसने खुद ही लगवाना है ना बैसी से? ये तमाम प्रोसेस उसने अपना खुद करना है, हमने उसे टिकट देना है, हमने उसे सफ़र करवाना है। 25,000 का हमारा टिकट है, सफ़र के दौरान 3 टाइम, बल्कि हमने इसको ज़्यादा कर दिया, 4 टाइम मील है। और याद रखिए ना, हमारा जो फेयर है 25,000, ये प्रोफेशनल फेयर है। अच्छा, यानी मैं समझ रहा था कि 50,000 50,000 विद रिटर्न टिकट है। अच्छा अच्छा, वन साइड। नाजीन, 25,000 रुपया, माशाल्लाह जी, बहुत इकोनॉमिकल है। माशाल्लाह, इसमें 4 टाइम मिले, 2 जगह नाश्ता आ जाता है, 2 जगह एक दफ़ा लंच आ जाता है, एक दफ़ा डिनर आ जाता है। उस बॉर्डर पर हमारा 12 घंटे का स्टे आ जाता है, वो सब कुछ इसी आपके फेयर के अंदर। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। तो चलते हैं ना दोनों भाई का। जिंदाबाद। गाड़ियों का शेड्यूल क्या है जी, हफ्ते में चलेंगी या महीने में चलेंगी? नहीं, इस तरह की इंशाल्लाह हमारा एक पहला डिपार्चर हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हर हफ्ते बाद हमारा एक डिपार्चर हो रहा है। हर हफ्ते बाद अगर सवारियां ज़्यादा होगी तो उसके बाद हम हफ्ते में। माशाल्लाह, नाज़रीन इकराम, हर हफ्ते एक गाड़ी सैटरडे को चलेगी या जुमे वाले दिन? सैटरडे संडे, यानी हफ्ते की रात 1 बजे, हफ्ते की रात 1 बजे यहाँ से रवानगी। कब तक पहुँचना चाहिए मुसाफिर को आपके पास? लेकिन हमारी बोर्डिंग 11 बजे स्टार्ट होती है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है ना। 11 बजे तक आपने पहुँचना है जी इधर। इस बस के एक मुसाफिर हैं जी, डॉक्टर अजीज साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जा रहे हैं जी बाय रोड? बाय रोड हम जा रहे हैं। माशाल्लाह, तो ये कैसे ख्याल है जी आपके जहन में? यार, मैं तो मतलब आता जा रहा हूँ, मतलब 4 साल से सफ़र करते चाइना। अच्छा, वहाँ पे मैं पीजी डॉक्टर हूँ। अच्छा, बेसिकली वज्रिस्तान से। माशाल्लाह, लेकिन ये फैसल मोवर्स वाले बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली सलमान भाई बहुत खुआ की बंदा है, इसी वजह से बहुत ज़बरदस्त आदमी है। कितना अर्सा हो गया चाइना आपको? 4 ईयर। 4 साल, माशाल्लाह जी। और ये गालिबन पहली बस सर्विस है जो कि चाइना के लिए तो इस तारीखी बस सर्विस में के मुसाफिर आप भी हो? बिल्कुल, हम। माशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक जनाब, इंशाल्लाह आपका सफर मुबारक हो। के वो भी चल रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, ये है जी टिकट, ये डॉक्टर साहब का टिकट है जी, ये पकड़े हैं डॉक्टर साहब जी। जी माशाल्लाह जी, और अभी हमने मिठाई खाई है, मेरा फ्रेंड है इंशाल्लाह। इफ्तिताह हो गया है इसका। मैं इनके साथ ज़रूर जाता,
اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ ایسا مسافر بھی ہے جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی کہہ لیں کہ ہنسمکھ شخصیت ہے یہ, لیکن ان شاء اللہ جب کبھی زندگی رہی تو سفر کریں گے, بلاؤں گا آپ کو کیا ان شاء اللہ. لے جی میرا اسپانسر پہنچ گیا جی, واہ جی واہ. تو ان شاء اللہ جی کیوں نہیں آپ ایک دفعہ اسپانسر کریں. بالکل میں ہاسٹل میں آپ اسٹے بھی دیں گے ون ایئر کے لیے. او ماشاء اللہ یہ اچھی ہوگی جی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اللہ آپ کو خیریت سے لے گئے, زندہ. جی ناظرین اکرام, ایک اور مسافر ہیں جی میرے شہر راولپنڈی کے, اور یہ جا رہے ہیں چائنا. جناب چائنا جا رہے ہیں آپ تو سیر کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی آپ کا وہاں پہ بزنس بھی ہے؟ اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرا موبائل پارٹس کا. اچھا تو کتنے عرصے بعد واپس آتے ہیں وہاں سے؟ 10-15 دن کے بعد آ جاتے ہیں. صحیح, تو یہ پہلا سفر ہے آپ کا بس کے ذریعے؟ بس پہ میں نے تقریباً 2005 سے میں سفر کرتا رہا ہوں. اچھا, لیکن وہ مطلب ہے کہ راولپنڈی سے ڈائریکٹ یہ پہلی بس ہے جو اس پہ جا رہے ہیں ہم. صحیح صحیح, اور یہ سروس بھی ابھی شروع ہوئی ہے, آج سے یہ شروع ہے. جی جی, تو اس سے پہلے جو ہے بائی ایئر سفر کرتے رہے ہیں. روڈ کا میں نے 2005 میں, 2007, 2008, 2013 تک میں نے روڈ سے سفر کرتا رہا ہوں. اچھا, لیکن یہ پہلی بس یہ جو راولپنڈی سے پہلی مرتبہ باقاعدہ ایک بس جو یہاں سے جا رہی ہے نا. صحیح, چلے جی آپ کو سفر مبارک ہے, اللہ تعالیٰ خیریت سے جائے. خیریت دعا کیجیے گا کہ خیریت سے لے کے ان شاء اللہ. ناظرین اکرام, یہ جو روڈ ہے شاہراہ ریشم KKH, یہ اتنی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ کمفرٹیبل نہیں ہے, کسی جگہ پہ خطرناک بھی ہے. تو ان سب مسافروں کے لیے ہماری دل سے دعا ہے خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ, بائے بائے شیشے. جی ناظرین اکرام, آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئی جگہ, کسی نئے مقام پر, کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.